नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बढ़ते हुए इस्तीफों से कांग्रेस पार्टी में मचा हड़कंप, खबर भिंड से है। डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री पर कार्यकर्ताओं ने लगाए मेहगांव उपचुनाव की हार को लेकर गंभीर आरोप। डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व मंत्री का DNA कांग्रेसी नहीं, यह बात एडवोकेट अशोक सिंह भदौरिया एडवोकेट ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। मेहगांव विधानसभा उपचुनाव में भीतरघात करने का लगाया आरोप। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुझसे खुद कहा कि भदौरिया होकर भदौरिया का विरोध कर रहे हो। एडवोकेट भदौरिया ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह के रहते कांग्रेस कभी सफल नहीं होगा। एडवोकेट अशोक सिंह भदौरिया, ब्यूरो इमरान अली खान। आज आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहा कांग्रेस से इस्तीफा देने का? मैंने कांग्रेस में 30-35 वर्ष काम किया। मैं युवक कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष रहा, NSUI का जिला महामंत्री रहा, NSUI का प्रदेश महामंत्री रहा और 2004 से 2009 तक मैं मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री था, वीरेंद्र राणा साहब की कमेटी में। अभी मेहगांव विधानसभा में जो चुनाव हुआ उसमें डॉक्टर गोविंद सिंह की अनुशासनहीनता को मद्देनजर रखते हुए, हेमंत सत्यदेव कटारे की हार को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज रिजाइन किया। मैं कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अनुशासनहीनता, जातिवाद, परिवारवाद, रिश्तेवाद, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने की लाइन जो चल रही है उससे मैं दुखी था। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने मेरे ऊपर कई बार दबाव बनाया कि ठाकुरवाद में वोट भाजपा प्रत्याशी को दिया जाए, BJP के समर्थन में काम कराओ। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का प्रचार करूँगा। तो ऐसे वरिष्ठ नेतृत्व वाले लोग जब पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे तो ऐसी पार्टी में तो काम करने से अच्छा हम घर बैठें अपनी वकालत करें। मैं 10 वर्ष मध्य प्रदेश क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, संपूर्ण प्रदेश के क्षत्रियों को मैंने कांग्रेस से जोड़ने का काम किया, लेकिन मैंने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं किया।